मोहित, आज एक छोटे से वीडियो के साथ हमारे पास, क्योंकि काफ़ी जब हम ट्रैवल करते हैं कई बार हम लाइट वेट ट्रैवल करना चाहते हैं, और अगर हमारे पास बड़े बाइनोकुलर्स हैं या कुछ भी नहीं है, लेकिन हम पोर्टेबल बाइनोकुलर्स अगर ढूंढ रहे हैं और उसमें भी अगर वेरिएबल जूम हो या हम पावर बढ़ा घटा सकते हो, तो क्या ऑप्शंस हैं मार्केट में? मार्केट में मुझे जहाँ तक याद है, निकॉन ने एक एक्लॉन सीरीज़ में एक पोर्टेबल जूम वाला बाइनोकुलर निकाला था, पेंटेक्स ने भी निकाला है, करीब 25 mm डायमीटर में और 8 से 24 या 8 से 25 एक्स पावर में। निकॉन का जहाँ तक वो बाइनोकुलर है, उसका काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं amazon.com पे, amazon.in पे नहीं, amazon.com पे या दूसरी साइट्स पे, लेकिन वो बहुत महंगा है, करीब 18 या 20,000 की रेंज में वो पड़ता है अगर इंडिया में शिप होता है इम्पोर्ट ड्यूटी के साथ। इसी में पेंटेक्स का भी आता है, वो भी काफ़ी महंगा पड़ता है। तो ये बाइनोकुलर्स लगभग इनएक्सेसिबल रहते हैं, हमारे लोगों के रीच के थोड़े से बाहर रहते हैं, तो हमने सोचा थोड़े से दूसरे ब्रांड्स में अगर अटेम्प्ट किया जाए और उनको कंपेयर किया जाए कि क्या क्लैरिटी है। हालांकि निकॉन का तो नहीं है, लेकिन आपस में हम कंपेयर कर सकते हैं। मेरे पास जो आज दो बाइनोकुलर हैं पोर्टेबल हैं, तो अगर आप हाइकिंग पे जा रहे हैं या आपको बुश वॉकिंग का शौक़ है या बर्ड वॉचिंग का है, लेकिन लाइट वेट आप चाहते हैं और ऐसे चाहते हैं कि जो पॉकेट में आ जाए और उसमें आप जूम से प्ले कर सकें, थोड़ी पावर चेंजेबल हो, तो विजन किंग और कोनस, ये दो ब्रांड पोर्टेबल हमारे पास आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे भी। जो ये वाला बाइनोकुलर है जूमी टू के नाम से आता है, जूमी टू एस के नाम से आता है कोनस का, 8 से 17 एक्स इसकी पावर है और 25 mm लेंस का डायमीटर है। ये कोनस का डब्बा है इस तरीके से, और ये विजन किंग का है, ये 8 से 24 इंटू 25 मतलब 8 से 24 एक्स, ये थोड़ी ज़्यादा पावर क्लेम करते हैं। अब बाइनोकुलर्स को एक्चुअली देखें कि बाइनोकुलर्स किस तरीके से आते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये मेरे पास दो बाइनोकुलर्स हैं, ये ब्लैक वाला जो है ये विजन किंग का, अगर इसमें आप जूम करें, और ये वाला जो है ये आपका कोनस का है, थोड़ा बड़ा है इसका बॉडी। मैंने दोनों से देखा बारी बारी से, अच्छी क्लैरिटी थी, अगर कम पावर में देखा जाए तो अच्छी क्लैरिटी थी। जैसे जैसे मैंने जूम बढ़ाया, तो जैसे कि नॉर्मली जूम बाइनोकुलर्स में होता है कि थोड़ी सी उसकी जो शार्पनेस है वो कम हो जाती है, वो ऑप्टिकली या फिज़िकली ऐसा होगा अगर आप कोई भी बाइनोकुलर इवन निकॉन का भी यूज़ करें, तो थोड़ा सा उसकी जो शार्पनेस है उसमें डिप आएगा, ऐसा ही इसमें है, लेकिन कोई इतना ख़ास नहीं है, आपको फिर भी क्लियर चीज़ दिखाई देगी। और मैंने इन दोनों से देखा बारी बारी से, दोनों में पिक्चर काफ़ी शार्प थी, अच्छी थी, एच टू एच क्रिस्प थी, दोनों BK7 में है मल्टी कोटेड, तो मैंने इनकी कोटिंग चेक की तो मुझे फुली कोटेड लगे, मल्टी कोटेड नहीं लगे। BK7 प्रिज़म्स में है, जो कोनस वाला है वो आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो करीब 140 फीट फील्ड ऑफ व्यू कवर करता है, 1000 फीट पे अगर देखा जाए, और इसका थोड़ा जो देखने का मैंने इसका फील्ड ऑफ व्यू देखा वो थोड़ा ज़्यादा था विजन किंग से। तो मैंने रीज़न चेक करना चाहा, तो मैंने दोनों के जो ऑब्जेक्टिव लेंस हैं दोनों पे अगर गौर किया, तो मैंने पाया कि कोनस का हल्का सा बड़ा है, और जब मैंने मेजर किया उसको फिज़िकली टेप से, मेजरिंग टेप से, तो कोनस का वाकई थोड़ा बड़ा था। कोनस का आप कह सकते हैं एक्यूरेटली 25 mm था, लेकिन विजन किंग का 22 था, तो विजन किंग का थोड़ा सा छोटा था, लेकिन उससे कोई शार्पनेस या उसमें कोई डिप नहीं था, शार्पनेस बराबर थी जूम पे भी, ऑफ कोर्स जूम में थोड़ा सा तो होता ही है, लेकिन क्लैरिटी थी दोनों में। लेकिन जो कोनस वाला है इसके अंदर एक चीज़ ये थी कि इसका फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा अच्छा था, मतलब जो एरिया मुझे दिखाई दे रहा था वो ज़्यादा था कोनस के अंदर। दोनों के जो बैग्स हैं वो ऑर्डिनरी हैं, कोई खास इसमें इतना कोई एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन प्रोटेक्ट करते हैं। इन दोनों में डस्ट कैप्स नहीं आती क्योंकि छोटे हैं और दोनों में जूम है। अगर आपको लेना हो दोनों बाइनोकुलर्स, हमारी साइट indirapuram.com से मिल जाएंगे, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9899212222 9560687095। एक चीज़ मैं बताता चलूँ दोनों की प्राइस, क्योंकि बहुत से लोग हमसे प्राइस जानना चाहते हैं, तो जो कोनस का है वो करीब 5,500 का आपको पड़ेगा, अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, विजन किंग का भी अच्छा है, और ये थोड़ा बजट में है 3600 का। तो अगर आपको लेने हो, ज़्यादा पैसे आप नहीं लगाना चाहते बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड्स निकॉन वगैरह पे, ये आप हमसे ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।